हिंदुस्तान की आवाम कबूल कीजिए ब्रांड का सलाम। आज हमें कंट्रोवर्सी की बात करने लगे हैं मेरे फैंस, मेरे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, मेरे चाहने वाले हैं। सब ने डिमांड की कि इसकी बात करूं मैं, और जरूरी भी हो गया था। के सेल्फ प्रोक्लेम्ड नंबर वन क्रिटिक कोई ना कोई चुतियापा करने के लिए फेमस है। पोस्टर बॉयज में उन्होंने सनी देओल, बॉबी देओल के स्टारडम को जीरो कहा। श्रेयस तलपड़े को एक वाहियात डायरेक्टर कहा। गलती ये कर दी कि देओल्स का हैंडल तो टैग किया नहीं, तलपड़े का कर दिया, और तलपड़े ने जवाब वापस दिया अपनी ही फिल्म के फेमस डायलॉग के रूप में, इतनी जोर से पटक के मारूंगा कि टप्पा खा के छत से टकराएगा। जी हाँ, सनी देओल जी ने डायलॉग बोला था पोस्टर बॉयज। 3 करोड़ से ऊपर की कलेक्शन को 1 करोड़ 80 लाख बोल रहा है आधा करके, यही इसकी आदत है। बादशाह के टाइम भी 50 करोड़ बोल रहा था बिजनेस करेगी, पहले हफ्ते में 65 करोड़ किया, और इसको खुद मानना पड़ा है ब्रांड की ताकत को। 5वें दिन इसे खुद मानना पड़ा कि बादशाह एक सुपरहिट है, क्योंकि वो शोर शॉट 100 करोड़ की फिगर टच करेगी, और यही मैंने कहा था। फिल्म मेकिंग और फिल्म्स का रिव्यू देना और बिजनेस प्रेडिक्ट करना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि हर कोई द ब्रांड अमित दत्ता नहीं है। तो तलपड़े ने तो पतलून गिली कर दी है रशीद खान जी की, अब हमारे केआरके जी ने वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया है, और भौंकने लगे हुए हैं ये ट्वीट वो ट्वीट की किसी तरह तलपड़े फिर जवाब दे, क्योंकि तो जिस तरह के उन्हें लाइक्स और रीट्वीट्स मिले हैं तलपड़े के ट्वीट को, पता लगता है क्या है दोनों की जगह। तू तलपड़े से नहीं टकरा पा रहा, तू देओल्स के बारे में बात कर रहा, सनी देओल, बॉबी देओल, गलत जगह पंगा ले रहा है कमाल रशीद खान, गलत जगह। मत भड़का पंजाब के शेरों को, क्योंकि उन शेर के साथ ये तीसरा बप्पर शेर भी है, और इस बप्पर शेर के आगे सारे ढेर हैं। 18 करोड़ के बजट में बनी है पोस्टर बॉयज, 30 करोड़ और 35 के बीच में धंधा जरूर करेगी और एक सुपर हिट कहलाएगी। इस बात को लिख ले, बादशाहों की बार जूता खा चुका है, अब दोबारा जूता खाने के लिए तैयार हो जा अपने बाप ब्रांड से। बस दोस्तों, इससे ज्यादा मैं इस कंट्रोवर्सी में बात नहीं कर सकता, कुछ चीजें बताना जरूरी थी, इसलिए अपने चाहने वालों के लिए समय निकाल कर आ गया। दुआ में याद रखिएगा।